हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम हमारा जो 11th का जो सेगमेंट है वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th के सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ती है सब्जेक्ट को जानने की हमको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वो बेसिक को हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बेसिक के तुरंत ख़त्म होते ही हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा केमिस्ट्री 11th का सेगमेंट, ठीक है। तो कुछ बेसिक सेगमेंट का मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा मैं एटम और मॉलिक्यूल इन सब का आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में समझ में आए, मैं उसके लिए ट्राई करता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 1, ठीक है। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला है हमारा एटम, व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल, ठीक है। व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बहुत बड़ी थियोरीज है बेटा इन सब के बीच में, तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारी थियोरीज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल को हम सिंपली किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली हम एटम एंड मॉलिक्यूल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसका वे आपको समझना है। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करो और आपके माइंड में जो चल रहा है वो एक बार सोचो, देन आफ्टर आप देखो कि क्या आपने जो सोचा वो करेक्ट है, ठीक है। तो देख लेते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। तो एटम एंड मॉलिक्यूल एक्चुअली में होता क्या है, एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट मतलब सबसे छोटा पार्टिकल, मतलब एक एलिमेंट का क्या बेटा, सबसे छोटा इतना सा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सके, दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एटम, उसको हम बोल सकते हैं बच्चों यहां पर एटम। अब बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस मैंने बताई है, अगर आप इसी डेफिनेशन को फॉलो करोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एटम बोलते हैं। अब समझना बात, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे एटम आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला छोटा, मतलब एलिमेंट का ही पार्ट होता है। एलिमेंट मतलब एलिमेंट क्या होता है, अब आपके माइंड में वो भी चल रहा होगा, एलिमेंट क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले इसको समझो कि एटम क्या होता है, ठीक है, एटम आपके क्या होते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, अब यहां पर अब देखो यहां पर एटम्स आप लोगों को समझ में आ गया। अब मॉलिक्यूल क्या होंगे, मॉलिक्यूल क्या होंगे बच्चों, यहां पर समझना, मॉलिक्यूल हम क्या बोलेंगे, जो बहुत सारे एटम से मिलके बने हो, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने हो, मॉलिक्यूल क्या होगा, जो एक एटम दोनों कंबाइन हो जाए, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड व्हाट, मॉलिक्यूल। तो मैं आपको सिंपल मॉलिक्यूल का सिंपल डेफिनेशन मैं आपको देता हूं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड, या फिर इसकी जगह हम सबसे अच्छा डेफिनेशन लिखते हैं, कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मतलब आपको समझ सकते हो यहां पर जो आपके एटम का कंबाइंड फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूल होगा। ये दो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस इज अ एटम एंड दिस इज अ व्हाट, मॉलिक्यूल, ये आपके मॉलिक्यूल के बारे में। अब समझना, अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि मॉलिक्यूल क्या है और एटम क्या है। जनरली
जनरली ऑल द एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट. कोई भी आपका एलिमेंट है वो आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सिंपल समझो, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस एलिमेंट साइड में मतलब सबसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस तरीके से सबसे कॉर्नर में इस तरफ जो आपका है, हीना नीना और करीना जेरोक्स करते रहना, मतलब हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन एंड रेडॉन, वो सारे के सारे आपके एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अदर कोई भी आपका एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इस बात को आप लोग अच्छे से समझो, जानो बच्चों, ठीक है. तो मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ यहाँ पर एटम्स के बारे में, तो देख लेते हैं एटम और उसके कंबाइन फॉर्म आपके. जैसे मैं आप लोगों को लिखाता हूँ यहाँ पर नेम, ठीक है, यहाँ पर एटम्स और यहाँ पर उसके कंबाइंड फॉर्म लिखो, या फिर मैं यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल फॉर्म लिखो, ठीक है. अब देखो यहां पर अगर मैं बोलना चाहूं सिंपल समझते, ये मैंने कुछ बना दिया है. अब देखो यहां पर नाम में कुछ लिख रहा हूं, आप लोगों ने नाम भी ये याद कर लिए होंगे आई होप. अब देखो नेम, अगर मैंने लिखा यहां पर हाइड्रोजन, अगर मैंने यहां लिखा क्या बच्चों, हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन के अंदर कौन सा एटम होगा, एच एटम होंगे और लेकिन हम हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, H2. ये इसका एग्जिस्ट फॉर्म है, ये इसमें एग्जिस्ट करता है, ये इसमें क्या करता है बच्चों, एग्जिस्ट करता है. एक्चुअली हम एच एटम, हम कोई भी एटम को एटॉमिक फॉर्म में नहीं काउंट कर सकते एक्सेप्ट नोबल गैस, ठीक है. ओनली नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन एटॉमिक फॉर्म. आपके केवल और केवल नोबल गैसेस प्रेजेंट होंगे. कौन कौन से बेटा, हीलियम नियॉन आप देख सकते हो, ऑर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन और रेडॉन, हीना नीना और करीना जेरोक्स करते रहना, ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्रोजन आपका क्या है, यहाँ पर N2 होता है. नाइट्रोजन आपका क्या होता है, N2 होता है, ये इसका एग्जिस्टेंस फॉर्म है. और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये N एटम. अब आपके मन में आया वो आ रहा होगा सर सोडियम, तो सोडियम थर्ड आपका, यहाँ पर मैंने बना दिया सोडियम. तो ये सोडियम आपका कंबाइंड फॉर्म में होता है कि वो एटॉमिक फॉर्म में होता है, हम इसको क्या लिखते हैं, Na क्रिस्टल. ये आपका कौन से फॉर्म में होता है, Na क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है. कौन से फॉर्म में होता है, Na का क्रिस्टल, या फिर इसको बोलते हैं लेटाइस फॉर्म. कौन सा फॉर्म में होगा बच्चों, ये आपका लेटाइस फॉर्म में होगा, ये आपका Na का क्रिस्टल या फिर आपका लेटाइस फॉर्म में होगा. और यहाँ पर सोडियम को हम क्या बोलेंगे बच्चों, Na एटम. बात क्लियर है. अगर मैं फोर्थ बोलना चाहूं कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहां पर कौन कौन से एटम है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो एक यहां पर आपका H एटम है, इसको बोलते हैं HCl. इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, HCl. इसको आप लोगों को बताया गया होगा कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो उसमें काम आएगा, ठीक है. केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं आप लोगों को बेसिक में बताया गया होगा, अभी रिवाइज कराया गया था बेसिक कंसेप्ट, तो उसमें इसको बोलते हैं HCl. अब HCl के अंदर कौन कौन से एटम है आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक H एटम है, एक Cl एटम है, एक आपका H एटम है और एक आपका कौन सा एटम है, Cl एटम है. इस तरीके से आपका एटम आपका एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है. अब यहां से आपको क्या एनालिसिस करने को मिला, यहां से आपको यह एनालिसिस करने को मिला कि सिमिलर टाइप के एटम भी आपके आपस में जुड़ सकते हैं
और आपके डिफरेंट टाइप के एटम भी आपके आपस में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एटम भी आपके आपस में जुड़ के आपके मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे, यहाँ पर सिमिलर टाइप के एटम भी आपके आपस में कंबाइन होके भी मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे। तो ये बात थोड़ा सा अच्छे से समझो, काफी ईजी है, काफी कंसेप्चुअल है। तो ये चीज समझो, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को बोलते हैं HCl। देखो दो डिफरेंट डिफरेंट एटम है, दो डिफरेंट डिफरेंट एटम भी आपस में कंबाइन होके आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल और हम ले लेते हैं बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। जैसे कुछ एग्जांपल और हम ले लेते हैं इसमें, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है, मेटल के लिए तो क्रिस्टल, मेटल हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है बेटा, क्रिस्टल लेटाइस के फॉर्म में रहता है। मेटल हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा बच्चों आप लोगों के, क्रिस्टल लेटाइस के फॉर्म में रहेगा। मेटल हमेशा क्रिस्टल लेटाइस के फॉर्म में रहेगा, इस चीज को समझो। अब देखो यहां पर मैं कंबाइन स्टेट भी बना देता हूं आप लोगों का, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेम एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बारे में भी बात करूंगा, सब कुछ, ठीक है, ये हुआ आपका। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहां पर थर्ड फिफ्थ एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को मॉलिक्यूल के फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, CaCO3। लेकिन हम इसमें एटम के बारे में क्या क्या हम डील करेंगे, यहाँ पर हम बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर वन एटम ऑफ CA, वन एटम ऑफ CA, एक CA का एटम है, इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन, और आपका थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये सब आपके हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका सिक्स्थ आपका पॉइंट क्या बनता है, एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ जैसे आप लोगों को सिंपल, अगर मैंने बोल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है बच्चों आप लोगों का, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड आप लोगों का क्या होता है बच्चों, MgO, ध्यान रखो MgO बोलते हैं इसको। अब MgO में कितने एटम ऑफ Mg प्रेजेंट है, हाउ मेनी वो एटम ऑफ Mg प्रेजेंट है, तो यहां पर बोलेंगे वन एटम ऑफ Mg एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहां पर आपके कौन कौन से एटम है, किस किस के एटम है, यहां पर आपका एटम है कैल्शियम का और कार्बन का और ऑक्सीजन के, तीन एटम कंबाइन हुए तो वो बना, यहां पर किस किस के एटम है, इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री आपका एक थियोरेटिकल वे है, इतना डिटेल में आपका आपको एटम की वजह से पढ़ना पड़ रहा है। धीरे धीरे रिसर्च बढ़ेंगे तो और भी अभी केमिस्ट्री में डेवलपमेंट आप लोगों का बाकी है, लेकिन इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसी के बेसिस पे हमारे आगे की पूरी केमिस्ट्री है, इसी के बेसिस पे हम लोगों ने इसको बेसिक फंडामेंटल मान लिया है एटम एंड मॉलिक्यूल को, और इसी के बेसिस पे आगे जाके हमारी पूरी केमिस्ट्री। तो उसको समझने से पहले हम लोगों को इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्ट, हमने मैंने डेफिनेशन लिखाया था स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट या फिर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, वो भी कर सकते हो, ठीक है, दैट कैन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका क्या बना बच्चों, ये एटम ये है और मॉलिक्यूल वो है, आप इन दोनों में आप इन्हें डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले एटम के बाद हमारी प्रॉब्लम कहाँ आई, अब देखो एटम के बाद आई एटम और मॉलिक्यूल तो मैंने आपको बता दिए। अब जनरली हमारे जो केमिस्ट्री में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ जॉन डाल्टन से ज़्यादा डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर डाल्टन कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थियोरी।
अब देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी कुछ, उसको समझते हैं। डाल्टन ने बोला कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। मतलब एटम आपका एक इतना छोटा पार्टिकल है, सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको एटम समझाता हूँ, ठीक है, स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन इमेजिन, मतलब जितना तुम सोच सकते हो उतना छोटा। अब तुम सोच लो कितना छोटा, वीडियो को पॉज करके एक एक बार सोचो कितना स्मॉलेस्ट तुम आप सोच सकते हो, उतना छोटा आपका एटम मान लो, ठीक है। सिंपल बात है, प्रैक्टिकली समझो कि अगर आपकी इमेजिनेशन पावर जिस लेवल पे छोटी छोटी चीजों को बता रही है, वही छोटा आपका क्या हो जाएगा, आपके लिए एटम हो जाएगा। मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग ने क्या बोला बच्चों, एटम बोला। ये चीजों को आप लोगों को फंडामेंटली कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा अपने आप में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमको क्या बोलता है बच्चों, समझना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमको बोलता है, ठीक है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ऐसा मुझको बोला गया है, बहुत बढ़िया बात है, सही बात बोला है। सेकंड जो डाल्टन की थ्योरी आई थी वो ये आई थी हमारे लिए, डाल्टन की थ्योरी ये हुई थी हमारी सेकंड, एटम कैन नॉट बी डिविजिबल या फिर एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, सब डिवाइडेड। अब ये बताओ, अब इंसान में जो जेलेसी नाम की चीज होती है वो यहीं से क्रिएट होती है। देखो डाल्टन ने बोला कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिस्ट के मन में नहीं माना गया, उन्होंने इसको भी डिवाइड करके बता दिया। वो एक दूसरे की गलती ढूंढना इंसान का एक सिंपल फंडामेंटल कंसेप्ट है, वो इंसान एक दूसरे की गलती ढूंढता रहेगा, वही प्रिंसिपल है, वही आपके लाइफ को सस्टेन करने का प्रिंसिपल है। तो डाल्टन की गलती को ढूंढने का, जैसे डाल्टन ने थियरी बताई उसकी गलती ढूंढना स्टार्ट कर दिया गया, अब हम इसी की गलतियों को समझेंगे। अगर हमने केमिस्ट्री में गलतियों को कंसेप्चुअली समझ लिया तो हमें केमिस्ट्री सबसे अच्छी आ गई। तो हमको गलतियों को समझना है, क्या गलतियां थी। तो एटम की कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, एटम को हम लोग क्या नहीं कर सकते बच्चों, सब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, इसको लिख लेते हैं एक और लाइन यहाँ पर, एक और पॉइंट फर्दर, एटम को और आगे में तोड़ नहीं सकता, डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, ये एक कंसेप्ट हुआ, ठीक है। तो दूसरा हुआ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट है ए और बी, ए से जो एटम मिलेगा और बी से जो एटम मिलेगा, दोनों की अलग अलग कैटेगरी होगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफर इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब सारे के सारे एस्पेक्ट में ये क्या होंगे बच्चों, डिफर है, ठीक है। ऐसा कुछ उसने बोला कि जो एटम है, मुझको H2 से जो H मिला और O2 से जो O एटम मिला, H2 से जो H एटम मिला, O2 से जो O एटम मिला, देखो समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे H2 से H एटम मिला और मुझे O2 से O एटम मिला,
ठीक है, एच टू से एच एटम मिला, ओ टू से ओ एटम मिला, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिले मुझे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिले, और जब मुझे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से जो एटम मिले वो दोनों के दोनों आपके डिफर होंगे, वो दोनों के दोनों आपके क्या होंगे बच्चों, डिफर होंगे अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज में, अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज में। तो हम बोल सकते हैं एटम्स ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ऑल एस्पेक्ट, डिफर फ्रॉम, यहां पर लिख लो एलिमेंट, डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ऑल एस्पेक्ट। तो अब मैं बोलना जा रहा हूं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट ठीक है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट सिमिलर लाइन ठीक है, इसकी जगह वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट सिमिलर फ्रॉम ईच अदर इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब हर सेप, वो एस्पेक्ट का मतलब समझ लो साइज, शेप एंड एटसेट्रा, और भी वो बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर होंगे, मतलब जो H2 से जो मुझे दो एच एटम मिलेंगे वो दोनों सिमिलर होंगे। सिंपल सा कहने का मतलब है, इतना लंबा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके एच एटम है तो वो कहीं पर भी मिले वो सिमिलर ही रहेगा, ओ एटम है वो कहीं से भी मिले वो सिमिलर ही रहेगा, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसको भी फंडामेंटली रॉन्ग कर दिया गया, वो मैं आपको बताऊँगा। थर्ड, फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी थी, और फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी काफी अच्छी थी, फोर्थ जो इसका था यहां पर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनाने के लिए वो आपका सिंपल रेशियो में कंबाइंड होते हैं। सिंपल समझो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन सिंपल रेशियो एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आपके देखो यहां पर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब देखो डिफरेंट एटम है आपके, डिफरेंट एलिमेंट का एटम है, अब ये आपस में कंबाइन हुए, किस में कंबाइन हुए, 1:1:3 में, एक सिंपल रेशियो में कंबाइन हुए, और क्या बना लिया इसने आपस में मिलके, कंपाउंड बना लिया। मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंपाउंड बोल सकते हैं, एक तरीके का कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो एलिमेंट को भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रखा गया, क्योंकि यहां पर दो एच एटम, मतलब एक से ज्यादा एच एटम, मतलब एक एटम होगा तो वो एटम होगा, अगर दो एटम मिलेंगे तो वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आपके कंपाउंड भी हो सकते हैं। लेकिन एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर साइड में, समझना बच्चों, एलिमेंट आपके क्या होते हैं बच्चों, जनरली फॉर्म्ड बाय सिमिलर टाइप ऑफ एटम, मतलब एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, जनरली आपके सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। ठीक है, एक्चुअली आपका एटम आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, मतलब
ये आपके कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, ये आपके कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये आपके कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? आपके कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एटम आपके जनरली क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं। एटम आपके जनरली फॉर्म बाय अ सिमिलर टाइप ऑफ एटम, एंड एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में केवल और केवल आपका कौन एग्जिस्ट करेगा? नोबल गैस। पहले बताया है आपका कौन एग्जिस्ट करेगा? नोबल गैस। तो यहाँ पर फ्री स्टेट में आपका कौन एग्जिस्ट करने वाला बच्चों? नोबल गैस। तो इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इस बात को समझना है कि एटम कांट बी सब डिवाइडेड फर्दर। एटम को हम आगे क्या नहीं कर सकते बच्चों? सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो कैसे समझते हैं एटम को सब डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमको जॉन डॉल्टन ने बताया। लेकिन क्या हुआ आप समझते हैं? देखो बच्चों, एक एक करके मैं सभी पॉइंट को बोलूंगा। तो इसको बोला सेकंड, इसको बोला थर्ड। मैं आपको कॉपी में बोलूंगा सेकंड पॉइंट का अब आ गया प्रॉब्लम, थर्ड पॉइंट का अब है ना प्रॉब्लम आएगा, फोर्थ पॉइंट से अब तुम्हें प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें से गलत हुआ, कौन सी चीज इसमें से गलत हुई, वो हम अब देखने वाले बच्चों। कौन सा पॉइंट इसमें से गलत होगा वो अब हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर, वो अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर। अब देखो सेकंड पॉइंट, देखो सेकंड पॉइंट जो अकॉर्डिंग टू जे डाल्टन एटम कांट बी सब डिवाइडेड फर्दर, मतलब एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्या हुआ एक्चुअली जे थॉमसन ने, अब यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल हुए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल हुए तो यहाँ पर कौन कौन से प्रैक्टिकल हुए बच्चों? आपके एनोड रे हुआ, यहाँ पर सॉरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर हम हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद हमारा यहाँ पर इसके बाद जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट हुआ, ये तीन चार एक्सपेरिमेंट हुए जिसने पूरे डाल्टन के कंसेप्ट को बदल के रख दिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हुए और इस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या फंडामेंटली प्रिंसिपल था कि जो डाल्टन ने बोला था कि एटम को आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इन सारे एक्सपेरिमेंट से हमको क्या मिला? इन सारे एक्सपेरिमेंट से हमको ये चीज देखने को मिली, एटम कैन बी सब डिवाइडेड फर्दर इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। देखो कौन से पार्टिकल में? इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, मतलब डाल्टन की थ्योरी को गलत कर दिया गया। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आई कि चलो हमने पार्टिकल तो ढूंढ लिए, अब पार्टिकल हमारे एटम में किस तरीके से अरेंजमेंट है उसके लिए हमारे कुछ मॉडल्स आए। तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को समझने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मॉडल आए। तो सबसे पहले समझते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, देख लेते कौन कौन से अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एटम। एटम में पार्टिकल के अरेंजमेंट को समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल आए।
वो अब हम समझते हैं बच्चों, तुम इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पूरा पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा आपको डिटेल कंसेप्ट समझा देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल कंसेप्ट किस तरीके से हमको मूव करना है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन आए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन आए, इतना आप लोग जान लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा में लिख लो, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज मत बोलो बेटा, ये स्पीसीज का मतलब हो जाता है कॉम्बिनेशन, कंबाइंड फॉर्म। हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल। अब ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर जो ये पार्टिकल है इसको कैसे अरेंज किया गया। इसको अरेंज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आए, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल आए इसको समझने के लिए। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल आया वो हमारे सामने किसका आया, जे जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, जे जे थॉम्सन, जे जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। अब जे जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल हमारा क्या था बच्चों, समझ लेते हैं। जे जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल था हमारा प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर हम इसको समझ सकते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन के कंसेप्ट पे इसने दिया था, जैसे जैसे आपके वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, सीड्स आपके क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बोल दिया, और जो रेड कलर का जो उसमें एरिया होता है दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड वॉट, प्रोटोन, ठीक है। प्रोटोन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन ऐसा बोला गया, लेकिन ऐसा सक्सेस नहीं हो आपका हुआ। तो जे जे थॉम्सन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट किया, एक्चुअली रदरफोर्ड, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उसके बाद हमारा एटॉमिक मॉडल दिया गया नील्स बोर, नील्स बोर, और यहीं से हमारा जो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, और इसी एटॉमिक मॉडल के बाद जो हमारा जो कंसेप्ट हुआ वो डील हुआ। सबसे जो करेक्ट करेक्ट अभी मॉडल माना गया है वो हमारा, हमारा जितना भी अभी केमिस्ट्री चल रहा है वो कौन से एटॉमिक मॉडल पे चल रहा है, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल पे, और इसी के एटॉमिक मॉडल को फर्दर इम्प्रोवाइज किया गया। अब इसी के एटॉमिक मॉडल को हमने क्या किया, फर्दर इम्प्रोवाइज किया, ना कि इसको गलत साबित किया, ये इम्प्रोवाइज, यहाँ पर इम्प्रोवाइज हुआ, ये आपका इम्प्रोवाइज हुआ, ये वाला मॉडल आपका इम्प्रूव हुआ है बच्चों, इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जे जे थॉम्सन आपका फेल हुआ था, बहुत कुछ बताने में फेल हो गया, ये भी आपका फेल हुआ था। तो इसके इसके जो मॉडल होते हैं इनके मॉडल को कम्प्लीटली क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, इनके मॉडल को कम्प्लीटली हटा दिया गया। अब हम एक्चुअली में हम कौन से मॉडल को सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चों, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, अब इस बात को समझो, अगर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम इसके, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर, अब एक्चुअली जो नील्स बोर आपका रदरफोर्ड फेल तो हुआ था, लेकिन फेल नहीं था एक्चुअली, हम बोलेंगे रदरफोर्ड का इम्प्रोवाइज वर्जन, रदरफोर्ड का इम्प्रोवाइज वर्जन इसने दिया था, रदरफोर्ड का इम्प्रोवाइज वर्जन आपका नील्स बोर एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड का इम्प्रोवाइज वर्जन था आपका क्या, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। तो सबसे ज़्यादा हमको किस कंसेप्ट पे चलना है बच्चों, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल पे। तो एटम्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गए होंगे, एटम्स इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, बात को समझना, एटम आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर, ठीक है, ऐसा डाल्टन ने बोला था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, सब डिवाइड कर दिया गया। तो इसका मतलब हमको अब किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर मैं बोलूँ H2O, अगर मैं बोलना चाहूँ H2O, तो H2O मॉलिक्यूल में दो H एटम होंगे और एक ऑक्सीजन एटम होगा, तभी आपका मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ होगा। तो डाल्टन का जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो क्या था, सिंपल
रेशियो में एटम आपस में कंबाइन होते हैं और आपके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। समझ में आया? ये एक तरीका है जिससे हम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं इजीली वे में, ठीक है। तो ये तो था हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। तो थोड़ा सा आप लोग इस पर फोकस करिए, फोकस करोगे तो आप लोगों को समझ में, आई एम डेम श्योर कि 100% आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ जाएगा। इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना बड़ा कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है। इसको धीरे 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 आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, ठीक है। अब एक्चुअली हम लोग एटम का रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, क्या एटम में रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट नहीं है। अब आप लोगों को एक चीज तो इससे फंडामेंटली कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।